ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. I think it didn't start from the beginning. I'll try to do it again because it's not right to do it from the middle. I don't know why it didn't start from the beginning. should have started from the beginning. Bismillahir Rahim ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فرقكم دينكم وليدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. सूर्य काफिरों की आपने सुनी तर्जुमा सुनते हैं कह दो कि ए काफिरों मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन इंट्रोडक्शन okay. ऑफ काफिरून एंड वालेकुम uh, uh, सलाम फरहत इंट्रोडक्शन ऑफ काफिर इनशाला और उसमें हम uh, पढ़ेंगे समझेंगे कि इसकी क्या बैकग्राउंड था अब कुछ मुफसरीन का सहाबा का ख्याल था कि ये मक्की है और कुछ का था मदनी है लेकिन ज्यादातर का ख्याल यही था कि ये मक्की है और इसका तारीखी पस मंजर भी वही है कि मक मौजमा में आपको पता है कि एक दौर ऐसा गुजरा जब नबी वसल्लम की दावत इस्लाम के खिलाफ कुरेश के मश्रक माशरे में ऐसा हाल था कि मुखालिफत का तूफान बरपा था हर कोई उनके मुखालिफ हो रहा था नहीं चाहते थे कि ये दावा का काम करें और ये दावा किए जा रहे थे और लोग इनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। बहुत लोगों ने सोचा कि इनके जवान बच्चे उनके पीछे चले गए और उनकी बातों में आ गए जैसे वो समझते थे कि ये कोई साहिर है कर देता है लोगों को तो ये सब होता रहा इसलिए वक्ता फवक्ता वो आपके पास Uh, मसलहत को सुलझाने के डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल्स लेके आते थे कौन कुरेश के जो कुफार थे डिफरेंट प्रपोजल्स लेके आते थे कि शायद you know, आखिरी आदमी चाहता क्या है इसको हम क्या दें कि चुप हो जाए या इसको हम क्या इसके लिए करें कि ये हमारे बीच में दखल ना दे हमारी इबादत हमारे जो हमारा कल्चर हमने अभी तक डेवलप किया है उसके बीच में ये कोई बीच में अपनी टांग ना अड़ाए ठीक है अब ये बहुत ज्यादा उनके लिए ऐसे मसले सोच रहे हैं जिसमें वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वो इस तरह के मसले लेके आते थे अच्छा अब आप देखें कि बहुत सारी अहादीस है इस, इस, इसके बारे में हज़रत हजरत आज़द अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि कुरेश के लोगों ने रसोरसलम से कहा हम आपको इतना माल दे देते हैं कि आप मक्के के सबसे ज्यादा दौलतमंद आदमी हो जाएंगे और आप जिस औरत को पसंद करेंगे उससे आपकी शादी भी हम कर देंगे और आपके पीछे चलने के लिए हम तैयार भी हो जाएंगे ठीक है बस आप हमारी एक बात मान लें क्या बात मान लें कि आप हमारे महबूदों की बुराई करने से बात कर रह जाएं बस आप हमारे महबूदों की कोई बुराई ना करें और आप जो आपको खातून पसंद आएगी हम आपकी शादी उससे कर देंगे आपको जो गद्दी चाहिए हम उस पर आपको बिठा देंगे आपको जो पोजीशन चाहिए हम आपको वो सोसाइटी में दे देंगे कितने पैसे चाहिए आप सिर्फ बोलिए हम सब मिलके आपको वो पैसे भी दे देंगे बस हमारे माबूदों को छोड़ दीजिए ये उनकी पहली प्रपोजल थी ठीक है देखिए बात क्या है इसको पहले आप पस मंजर को अच्छी तरह से समझें जब बैकग्राउंड और जो चीज़ें तो चेन ऑफ इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस जो इस इस सूर्य काफिल तक पहुंचती है उसको समझने की कोशिश करें देखिए जब आप देखते हैं ना कि एक, एक सेल्समैन है वो आपको कुछ बेचना चाहता है ठीक है Uh, अब जब वो सेल्समैन आपको बेचना चाहता है ना कोई भी चीज आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए टेलकम पाउडर है सोप है कुछ बेचना चाहता है वो आपको तरह तरह की उसकी अच्छी अच्छी बातें बताएगा ठीक है कन्विंस करेगा कि यही सबसे अच्छा डिटर्जेंट है यही सबसे अच्छा साबुन है यही जो है बस सवाल का जवाब है आपके लिए यही आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा बस आप ले लीजिए ठीक है तो उस वक्त आप देखेंगे कि कस्टमर जो है वो देखता है कि ये कितना डेस्परेट है बेचने के लिए अगर ये ज्यादा डेस्परेट है ना अगर मैं देखती हूँ कि सेल्समैन बहुत डेस्परेट है इसका नहीं चल रहा बिजनेस ज्यादा बहुत डेस्परेट है बेचने के लिए तो मैं उसको कहती हूँ कि भाई मुझे आधी कीमत में दोगे तो मैं ले लूंगी क्योंकि मुझे ये पता है कि ये आधी कीमत में भी मुझे बेच देगा क्योंकि ये डेस्परेट है इसकी सेल नहीं हो रही है ज्यादा लोग लेने वाले नहीं है इसके पास माल रह जाएगा समझ रहे हैं ना मेरी बात डे टू डे वाली बात कर रही हूँ मैं बिल्कुल कितने लोग लास्ट डे ग्लोबल विलेज जाते थे सिर्फ इसलिए कि उनको ये पता है कि आज गाहक के मजे होंगे क्योंकि अब उन्होंने लपेट के वापस चले जाना है और कोई अपना सामान वापस ले जाना नहीं चाहता है तो आप जो भाव बोलेंगी वो उसमें आपको बेच देंगे क्योंकि उन्होंने बेचना ही बेचना है ठीक है लेकिन यहाँ एक नया एक सेल्समैन आया है एक नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ गया है अब वो सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो आप भी उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है भाई देखो मैं तुम्हारा प्रोडक्ट ट्राई करने को तैयार हूँ लेकिन तुम तो मुझे ये प्रोडक्ट आधी कीमत में दे दो हुँ? अब ये ये तो समझ में आ गया ना कितनी जल्दी हम लोग को ये समझ में आ गया ना बात क्योंकि हमसे ताल्लुक रखती है चीजें खरीदना बार्गेन करना और औरतें तो इसमें बहुत ही आगे हैं तो बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई ना अब यहाँ पे आप सेल्समैन की जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखिए ओके अ मैन हु इज डूइंग दावा इज अ मैन हु इज सेलिंग हिज थॉट आइडिया बिलीफ टू पीपल ठीक है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जो दाई होता है ना वो ऐसे ही होता है सेल्समैन की तरह मैं आपको आपको आके आपके घर में आपको ये आइडिया बताऊंगी कि देखिए आप शादी इस तरह कर लें अगर आप इस तरह करेंगे ये सही तरीका है इसमें आपको बहुत मुनाफा होगा आपको दुनिया में भी अजर मिलेगा आखिरत में भी आप नमूना भी बन जाएंगे आपकी शादी में बरकत भी आ जाएगी आपको आपके पैसे भी बच जाएंगे ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा मैं कन्विंस कर रही हूँ बहुत सारी आपको उसकी अच्छी बातें बता के आई एम सेलिंग यू द आईडिया टू फॉलो द प्रिंसिपल फ्रॉम कुरान एंड दैट्स व्हाट आई एम सेलिंग यू ठीक है तो सुननालिंग नबीलम भी जैसे-जैसे वही आ रही थी और जो भी था कि एक अल्लाह है और ये मबूदों को मानना छोड़ दो ये सारी बातें हो रही थीं तो ही बिकम्स द मैन हु सेलिंग हिज व्यू पॉइंट टू द पीपल ऑफ मक्का टू कुरैश और आपको पता है हमेशा इट्स योर ओन फैमिली विच विल अटैक यू फर्स्ट इट्स योर ओन नियर एंड डियर वंस हु विल लेट यू डाउन दे विल इंसल्ट यू दे विल मॉक यू

क्योंकि सब उसके पीछे पड़ गए तो क्या नबी से सरम था। उसके, उनके अपने चचा उनके अपने खानदान वाले उनके अपने कजन ब्रदर्स उन्होंने उनको उठा फेंका था बल्कि उनकी बुराइयां करते थे उनको बुरे बुरे अलकाब से पुकारते थे उनको मारने की प्लानिंग करते थे उनको इंसल्ट करते थे उनको मौक करते थे उनको मजनून और साहिर बुलाते थे कि इमेजिशन है ये पागल है ये मजनून है तो आप सोचे किसने उनकी बदनामी की उनके अपने लोगों ने उनकी बदनामी उनके अपने लोगों ने की थी हमेशा याद रखें ठीक है तो अब जब वो देखते हैं कि ये सेल्समैन आया है और ये अपना दावा सेल करना चाह रहा है तो चलो हम भी कुछ प्रपोजल रखें ही ठीक है ही इज नॉट बजिंग एन इंच एक सेकेंड को वो नहीं छोड़ रहा अपने इस ख्याल को तुला हुआ है कि वो एक ही खुदा को मानेगा और एक ही बात कहे जा रहा है कि वो नबी है एक ही बात कहे जा रहा है कि उसके पास वही आती है तो चलो इससे नगोशिएट करते हैं कोई निगोसिएशन शुरू करते हैं भाई देखो ऐसे करो तुम क्या चाहते हो तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए तुम जो कहोगे हम दे देंगे बस हमारे महबूदों को छोड़ दो भाई महबूदों को हटाओ उनको ना मानो और उनको मानना गलत है बुरा है ये मत कहो इसके अलावा तुम हमें जो कहोगे हम तुम्हारे लिए करेंगे तुम्हें कोई लड़की पसंद है हमारे कम्युनिटी की बता दो हम तुम्हारी उससे शादी कर देंगे तुम्हें दौलत चाहिए हम दौलत दे देंगे तुम्हें पोजीशन चाहिए हम पोजीशन दे देंगे दे। तुम बोलो तुम्हें यहाँ का लीडर बना दें तुम्हें यहाँ का एयर बना दें गवर्नर बना दें जो बोलो हम बना देंगे पैसे चाहिए पैसे भी दे देंगे दे। लेकिन नबीसलम

तो ये तजवीजें पेश करने के लिए डिफरेंट मौकों पर डिफरेंट लोग आए उसकी डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू हेयर इट केयरफुली ठीक है तो और इन बातों की वजह से ये सूरह नाजिल हुई थी तो दीज आर द रीजन्स ठीक है अल्लाह जुमर में कहता है कि इनसे कहो ए नादानो क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि अल्लाह के सिवा में किसी और की इबादत की एक अबास रिवायत है कि कुरेश के लोगों ने हुजूर से कहा ऐ मोहम्मद अगर तुम हमारे माबूद बुतों को चूम लो तो हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे उस पर यह सूर नाजिल हुई थी सईद बिन मीना के आजाद करदा गुलाम की रिवायत है कि वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वायल, बिन अल मुखलिफ और उमैया बिन खलफ रसूल से मिले ये सब उनके क्लोज रिलेटिव हैं ठीक है ठीके? नामों से ही आपको पता चलना चाहिए ठीक है सबका मैं एक एक रिश्ता बता सकती हूँ पर यहाँ अभी इस वक्त टाइम नहीं होगा ए मोहम्मद आओ हम तुम्हारे महबूद की इबादत करते हैं और तुम हमारे माबूदों की इबादत करो और हम अपने सारे कामों में तुम्हें शरीक किए लेते हैं अगर वो चीज जो तुम लेकर आए हो उससे बेहतर हुई जो हमारे पास है तो हम तुम्हारे साथ उसमें शरीक होंगे और अपना हिस्सा उससे पा लेंगे अगर वो चीज जो हमारे पास है उससे बेहतर हुई जो तुम लाए हो तो हमारे साथ उसमें शरीक होंगे तो तुम हमारे साथ उसमें शरीक होगे और उससे अपना हिस्सा पालोगे उस पर अल्लाह ताला ने ये वह वही नाज़िल की कुलयायूल काफिरों वह बिन मुनब्बे की रिवायत है कि कुरैश के लोगों ने रसूल अ सलम से कहा अगर आप पसंद करें तो, तो एक साल हम आपके दीन में दाखिल हो जाएं और एक साल आप हमारे दीन में दाखिल हो जाएं इन रिवायत से क्या मालूम होता है कि एक मरतबा एक ही मजलिस में नहीं ये बात हुई है कई कई मरतबा ये तजवीजें दी गई हैं नबी नबीसलम को कि आप किसी तरह आप ऐसे कर लें कि कुछ हमसे ले लें और हम आपसे आपकी इबादत करने को तैयार हो जाएंगे लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज करें उनके जितने भी प्रपोजल थे वो कॉम्प्रोमाइजिंग थे ठीक है उनकी कॉम्प्रोमाइज ये थी कि हम अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉलो करें आपकी कुरान और आपकी ये बातों को आपको नबी मान लें और आपकी बताया हुआ जो ये आइडिया है ऑफ वन गॉड उसको भी मान लें तो आप ऐसे कर लें कि आप कुछ वक्त हमारी कुछ बातें मान लें तो कुछ हम आपकी मान लेंगे तो कुछ समझौता हो जाएगा हमारा तो जो उनके समझौते थे वो सब इस तरह के थे कि किसी तरह वो भी नबी वसल्लम जिनकी वो इबादत करते हैं उनकी नबी नबीसलम भी इबादत कर लें तो वो भी नबी नबीम जिसकी चाहते हैं उसकी वो इबादत कर लेंगे तो दिस वॉज द समझौता लेकिन आपको एक बात समझानी है यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखें अल्लाह ताला ने समझौते को दीन के मामले में समझौते को पसंद नहीं फरमाया इसको हमेशा याद रखें इस बात को दीन में कोई समझौता नहीं है तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा फला दीन है उनका फला दीन है फला का फला दीन है आफ्टर ऑल सारे रिलीजन तो एक ही बात सिखाते हैं ना कि सब एक ही बीइंग को मानते हैं सब एक ही बात करते हैं अच्छाई को बुलाते हैं बुराई को रोकते हैं सब एक ही तो हैं एक नहीं है अगर आप ये बोलती हैं कि एक है तो आपने खुलिया नहीं पढ़ी नहीं समझी जाके दोबारा पढ़ो दोबारा समझो अगर सब एक ही होते तो नबी सरम समझौता कर लेते ना कि ठीक है देखें बात सुने अच्छी तरह से अल्लाह को ये भी मान रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूं कुरेश मक्का अल्लाह को मान रहे हैं ठीक है उनको अच्छी तरह पता है कि इब्राहिम का जो रब है हम उसको मानते हैं लेकिन इब्राहिम का मुजस्मा बनाया है उसको भी मान रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं इस्माइल का मुजस्मा उसके बाद लात और के मुजस्मे बन गए नायला का मुजस्मा था नसर का मुजस्मा था और मुजस्मों पे मुजस्मे बन रहे थे तो देवर स्टैचूर थ्री

इवन जो अहल किताब हैं क्रिस्चन्स और जूस उनको भी अल्लाह तला ने सूर फातह में किस तरह से उनके बारे में जिक्र किया कि वो काफिर हैं और एक को अल्लाह जलीलो ख़्वार करेगा और एक से अल्लाह बहुत सख्त तरीके से नाराज़ है दोनों को अल्लाह नाराजगी में डाल दिया क्यों अल्लाह को तो मानने वाले हैं ना क्रिश्चन्स भी और जूस भी तो नबियों को भी मानते हैं सिर्फ नबी नबीम को नहीं मान रहे थे ना तो फिर उनको काफिर क्यों कहता है अल्लाह ताला जब अल्लाह अहले किताब वालों को काफिर कह रहा है तो आप सोच के देखिए कहाँ है वो बाकी मजाहब जिनको आप जोड़ रही हैं जब आप बाकी मज़ाहब को जोड़ने की जो, कोशिश करते हैं कि सारे मजहब तो एक ही जैसे हैं सब एक ही रब को मानते हैं सबका एक ही तो दीन ईमान है ना यही के अच्छा करो बुरा ना करो नहीं 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 सब एक नहीं है ये हमें समझना पड़ेगा और जब तक हम ये नहीं समझेंगे वी विल बी इन वॉट कैटेगरी आई एम गोइंग टू कम टू दैट इनशा ठीक है अब ये मैं आगे आपको समझाती हूँ और भी हज, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु की रिवायत है कि मैंने बारहा हुजूर को फजर की नमाज से पहले और मगरिब की नमाज के बाद की दो रकतों में कुल या काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते देखा है और बहुत सारी इसमें रिवायत आपको मिलेंगी हज़रत खबाब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ने मुझसे फरमाया कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कलियाइल काफिर पढ़ लिया करो और हुजूर का खुद भी ये तरीका था कि जब आपने सोने के लिए लेटते तो यह पढ़ लिया करते थे इबन अब्बास का बयान है कि रसूल रसोलम ने लोगों से फरमाया मैं तुम्हें बताऊँ वो कलमा जो तुमको शिक से महफूज रखने वाला है वो ये है कि सोते वक्त कलियाईुल काफिरून पढ़ लिया करो हजरत अनस कहते हैं कि रसूल रसोलम ने हजरत बिन जबल से फरमाया सोते वक्त को लिया यूल काफिर पढ़ लिया करो क्योंकि इस शिक से बिरत है बरत है फरदा बिन नौफल और अब्दुलरहमान बिन नौफल दोनों का बयान है कि उनके वालिद नौफल बिन माविया ने रसूल सल्लम से अर्ज किया कि मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसे मैं सोते वक्त पढ़ लिया करूं आपने फरमाया कुलियाल काफिर आखिर तक पढ़कर सो जाया करो क्योंकि ये शिक से बरत है ऐसी ही हजरत जैद बिन हारिसा के भाई हजरत जबला बिन हारिसा ने हजूर सरम की थी और जब उनके पास भी जाकर उन्होंने पूछा था तो उन्होंने इसका यही जवाब दिया था अच्छा अब मैंने आपको बता दिया कि बाज़ औकात वितर की नमाज में बाज़ औकात मग़रिब की बात की सुन्नतों में ठीक है अम सॉरी साइलेंटेड सुन्नतों में अह और फिर फजर की दो सुन्नतों में रसूल सल्लम अक्सर कुल और काफिरून और कुल हो वल्लाहु अहद दो रकतों में जो दो सुन्नत की रकअतें होती हैं उसमें पढ़ा करते थे एक सेकंड ओके okay. तो uh, और एक बात यह कि कुलिया जो है उसको एक चौथाई कुरान कहा वो किस तरह से ऐसे नहीं जैसे लोग समझते हैं कि इसको चार बार पढ़ लिया तो पूरे कुरान का सवाब होता है आई डोंट डोंडरस्टैंड फ्राम वेर ब्रिंग दिस काइंड ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही होता तो फिर कुरान की तो जरूरत ही नहीं थी अल्लाह वल्लाहु अहद और या या काफिरून भेज देते और कहते कि वो एक तिहाई कुरान है ये एक चौथाई कुरान है दोनों पढ़ लो हो गया किस्सा खत्म कुरान पढ़ लिया आपने वो एक तिहाई है तो उसको दो तीन दफा पढ़ लो तो एक कुरान हो गया इसको चार दफा पढ़ लो तो कुरान हो गया ऐसे नहीं होता है इसका मतलब ये है कि इसमें जो कुछ लिखा है अब गौर से सुनिए कुल्याल काफिरून की जो सूरा है जो भी मैसेज इसमें लिखा है मैसेज ऑफ द वन फोर्थ ऑफ कुरान कुरान को अगर मैं चार हिस्सों में तकसीम करूँ तो उसमें से पच्चीस फीसद वही मैसेज है जो कुल यान काफरून की एक सूरह में है और इसी तरह में जब कुल्लाबाद पढ़ के सुनाऊंगी और उस पर आएंगी तो फिर मैं उस वक्त यही बात आपको दोबारा सुनाऊंगी ओके okay. तो कुल आई का तर्जुमा आसान नहीं है आपको शायद सुनने में आसान लग रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा तो ये तो बहुत आसान वाली सूरा है तो ये बहुत जल्दी से करा देंगी लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट वाली सूरा है और इसको मुफसरीन ने भी इसको ट्रांसलेट करने में बहुत तकलीफ महसूस की है इबन अकयम रहा ने इसकी तशरी में दस पेजेस लिख दिए और फिर भी कहा कि मैं इसे ठीक से तशरी नहीं कर पाया ठीक है तो और मेरे ख्याल में मैं इसीलिए शायद हमें रात को ये पढ़ के सोने को कहा तो अब हम जो है ना रिचुअली पढ़ना शुरू कर देंगे आज मैंने आपके हदीस सुना दी ना अब आप इसको बांध लेंगी कि मैं रात को सोने से पहले ना मैं ये पढ़ के सोऊंगी लेकिन क्या आप इसके मानी समझी नहीं ना तो फिर वो असर नहीं होगा आपको अगर इसका असर चाहिए ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा और समझ के पढ़ना पड़ेगा आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि आप उन उन कलेमात की आप उन कलेमात को अपने जहन में उतार रही हैं या अपने आप को बता रही हैं जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको अपनी एक 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 फजूल सी एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ ठीक है क्योंकि मैं बहुत ही नाचीज बंदी हूँ मेरी दादी ने बचपन में मुझे कहा था वो मुझे इसी तरह सिखाती थी कि तुम रात को अपने पिलो को कहकर सो जाओ कि तुम्हें सुबह कितने बजे उठना है और तुम्हारा पिलो तुम्हें उठा देगा तो फर्स्ट नाइट तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि आप बगैर अलार्म के कैसे उठती हैं उन्होंने कहा मेरा अलार्म मेरा तकिया है पर मुझे उसको बताना पड़ता है टाइम और जो टाइम मैं बताऊंगी तो क्या उस टाइम पे मुझे उठा देगा तो मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो सकता है तो शायद आपके पास कोई मैजिक पिलो होगा उन्होंने कहा नहीं यू एंड योर पिलो विल ऑल्सो बिकम द मैजिक पिलो ऐसे ठीक है तो पॉइंट मेरी आपको बताने की ये है कि um, कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने जहन में लिख देते हैं एक्चुअली फॉर अ चाइल्ड टू नो के पिलो को बताना इज़ वन थिंग बट एक्चुअली आई एम टेलिंग माई सेल्फ व्हाट आई हैव टू डू बिकॉज आई एम टेलिंग माई सब कॉन्शियस और एन अनकॉन्शियस माइंड मैं कह तो रही हूँ तकिए को कि तकिया मुझे तुम सुबह उठा देना ओके okay? और याद से उठा देना पर एक्चुअली मैं अपने जहन को मेरे सब कॉन्शियस माइंड से मैं बात कर रही हूँ और मेरा सब कॉन्शियस माइंड मुझे उठाएगा ठीक है अगर मैं यही बात किसी और लैंग्वेज में कहकर सो जाऊं तो डू यू थिंक आई वेकअप I don't think so. Because मैंने वो बात समझ के कही ही नहीं अगर मैं कुछ फांख करके चाइनीज में बोलकर सो गई मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला दादी ने कहा था ये लफ्ज कहके सोना तो तुम सुबह उठ जाओगी और लफ्जों के मीनिंग तो मैंने जाने नहीं तो मैं सोती हूँ पर मैं तो सुबह नहीं उठ पाती हूँ लेकिन जब मैं अपने तक कहके सोती हूँ पांच बजे उठा देना पांच बजे उठा देना याद से उठा देना तो 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 आपने अपने जहन को एक चीज जोर से बोलकर रिमाइंड कर, कर दिए आप उठ जाएंगे तो जिस चीज को आप रात को पढ़ के सो रहे हैं फिर लोगों को बैड ड्रीम्स भी आते हैं लोग डर के भी उठ जाते हैं और लोगों को पढ़ने के बाद आराम भी नहीं मिलता है क्योंकि क्या उन्होंने ये पढ़ गा? समझ के पढ़ा था या लिप सर्विस कर दी मैंने चार कुल पढ़ लिए सोचो

आपको अच्छे खाब कैसे आ जाएंगे आपने तो कुछ समझा ही नहीं आपने कुरान को लिप सर्विस करके छोड़ दिया, ठीक है? तो कुल या पढ़कर अगर सोना है ताकि वो आपको जिंदगी भर कुफर से बचाए और अल्लाह के पास उसकी इबादत में फोकस दिलाए तो समझ के पढ़ना है ठीक है अब समझते हैं इनशाला शुरू से और फिर देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल दे दिमागों में डाल दे और हम हमें इतनी समझ आ जाए कि अगली बार जब हम खुल आई पढ़ें पढ़े तो खूब समझ के पढ़े ठीक है और उस पर अमल करें अच्छा अब मैं इसको पिछली सूरा से कनेक्शन दूंगी पिछली सूरा हमारी कहां खत्म हुई थी इन्ना शान अका अबतर ठीक है ना बात कहां थी कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम को तसल्ली दी किस लिए तसल्ली दी क्योंकि पीपल व कॉलिंग हिम नेम्स व्हाट वर वो दे कॉलिंग हिम बैड नेम्स ये वो है जिसकी कट गई है लाइन ही कट गई है इसके तो बेटे ही नहीं हैं होते हैं मर जाते हैं इसकी तो लाइन कटी हुई है ये अबतर है ये अबतर है ये कटी हुई वाला है ओके दुम कटा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था ना ये इसकी लाइन कटी हुई है अब कोई ऐसे भी कह, कह ना कि आपकी तो लाइन कटी हुई आपको कैसा लगेगा बहुत तकलीफ होती है ना ऐसे ऐसे इलकाबात से नबी सलम को मौक करते थे हंसते थे और उनकी इंसल्ट करते थे तो वो उन्हें ऐसे इकबाबात से पुकार रहे थे कि ये अबतर है ये कटा हुआ है ठीक है

ओके द पॉन्ड ऑफ कौसर अब आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला पहले ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें कौसर अता किया और उसके बाद बता रहा है कि ये जो कहता है वही अबतर है ये नहीं कहा कि तुम अबतर नहीं हो मैंने आपको ये भी लास्ट टाइम समझाया था कि अल्लाह उनके लिए बोलना ही नहीं चाहता सिर्फ ये कहता है अल्लाह कि जिसने तुम्हें अबतर बुलाया ये भी नहीं कहता अल्लाह कहता है जिसने अबतर कहा वही अबतर होगा और वो सबसे बुरा खराब तरीन दुश्मन है शान अका शान अका इतना बुरा 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 दुश्मन है और वही अबतर है वो दुश्मन भी बहुत बुरा है और वही अबतर है ठीक है अब अब अल्लाह ताला ने तो उसको नबी नबीम को वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग छुप छुप के अबतर बुलाते थे वो कहते अच्छा तुम क्या अब्तर से मिल के आयो यू नो उससे जिसकी नस्ल कटी हुई है तो जब अल्लाह ताला ने ये सूरा में डाला तो वो लोग हैरान हो गए कि मोहम्मद को कैसे ये बात पता चली अब ये कहता है कि से वही आई और उसने ये कौन कौसर सुना दी है और उसमें वर्ड अबतर आ गया तो इसे कैसे पता चला कि हम इसको अबतर बुलाते थे ठीक है ये बात हो गई अब अल्लाह ताला जब देख रहा है कि एक तो ये लोग उनको बुला रहे है बुरे बुरे अलकाबात से और उनको कह रहे हैं कि इनकी नस्ल भी कटी हुई है ठीक है तो अल्लाह ताला रसूल वसल्लम को सिखा रहे हैं और किस तरह सिखा रहे हैं उन्हें कमांड कर रहे हैं कि अब तुम इन्हें टाइटल दो इन, इन्होंने तो तुम्हें अब तर बुलाया था ना लेकिन तुम इन्हें उस टाइटल से बुलाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा कहो कुल या अयुहल काफिरून ए लोगो जो कुफर करते हो जो कुफर कर रहे हो और करते रहे हो या अयोहल का अब यहाँ रुकते हैं ठीक है इधर समझने वाली बात यह है कि जब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कुफार तो, तो किस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे थे उस कमजोरी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कमजोरी पर क्रिटिसाइज कर रहे थे जो उनके हाथ में नहीं थी जो अल्लाह की तरफ से थी अगर उनको बेटा हो रहा था और गुजर जाता था फिर हुआ फिर गुजर गया फिर हुआ फिर गुजर गया, फिर गुजर गया उनके हाथ में था अल्लाह जिसे चाहता है दुनिया में लाता है जिसे चाहता है वापस ले लेता है पैदा करता है उठा लेता है उसके हैं हम सब यही बताना चाहता है और जिसे वो रखेगा वही वो रहेगा जिसे वो जिंदगी देगा उसे जिंदगी मिलेगी जिसे अल्लाह मौत देगा उसे मौत मिलेगी हम उसे आगे पीछे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से तो दिस वॉज नॉट समथिंग विच वॉज इन दी ऑफ रसोसलम टू चेंज इट इन एनी वे ठीक है

उनकी प्राइड है अना है अल्लाह ताला उस पर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है और उनको टाइटल दे रहा है एस काफिर। अब एक आपको बात समझाना चाहती हूं। पहले ना काफिर का वर्ड ठीक से समझ लें अगर आप काफिर का वर्ड सिर्फ समझ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आ गए नंबर वन काफिर आज मेरे पास नोट्स नहीं है तो सब कुछ अपने दिमाग की नोट्स में से बोल रही हूँ ठीक है तो अगर कोई गलती हो भूल चूक हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत दे कि मैं ठीक से आप लोगों को बता सकूं क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लेकिन मैं आज का नागा नहीं करना चाहती थी आज मेरे में हिम्मत नहीं थी लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं ये अब शैतान जो है ना मुझे ढीला कर देगा और मैं बिल्कुल ही और भी ढीली हो जाऊंगी नेक्स्ट तक तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नो आई एम डूइंग माय टॉक टुडे लेकिन <coughs> नोट्स नहीं बना सकती हूँ तो सारी नोट्स इस वक्त जहन में से निकाल रही हूँ ठीक है ओके okay, तो इनशाला अगर कुछ आगे पीछे होगा तो मैं आपको पूरा पूरा आपको द वर्ड कम्स फ्रॉम काफरा कफरा या कुफर कहते हैं किसी चीज का इनकार करना किसी चीज को छुपा लेना अब जैसे मैंने यहाँ पे ये छुपा लिया और आपसे कह रही हूँ हाथ यहाँ नहीं है हाथ है इसके नीचे है लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ हाथ नहीं है तो छुपा रही हूँ मैं एक हकीकत है जिसे मैं जानती हूँ शायद आपको भी अंदाजा है कि इसके अंदर कुछ है लेकिन मैं कहती हूँ कुछ नहीं है छुपा रही हूँ उसको ये कुफर है ठीक है तो कुफर इज जस्ट टू कवर ऑन समथिंग एंड टू डिनाई अबाउट इट ठीक है एनी काइंड ऑफ डिनाइल इज कुफर अच्छा कुफर में क्या क्या कुफर में आ जाता है जो लोग अल्लाह ताला को उसका रब नहीं मानते और अगर समझते हैं कि पूरी दुनिया एक बोलबुल में से बन के आ गई ठीक है तो वो कुफर कर रहे हैं ठीक है अगर कोई अल्लाह ताला को मानता है ठीक है लेकिन वो कहता है कि मैं फला 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 अम्बिया को मानूंगा लेकिन मैं फला फला अंबिया को नहीं मानूंगा ठीक है जैसे अगर यहूदी कहते हैं कि हम ईसा सलाम को तो नहीं मानेंगे हम यही को भी नहीं मानेंगे हम जकरिया को भी नहीं मानेंगे हम मोहम्मद को भी नहीं मानेंगे वो कुफर है अगर आप किसी एक नबी को भी नहीं मानेंगे तो आप रहे हैं अल्लाह के भेजे हुए नबी के साथ आपने कुफर किया यानी आपने उसके आने को उसके होने को उसके नबी होने को इनकार कर दिया तो ये कुफर है आपकी तरफ से ठीक है दूसरी चीज है अगर आप कुछ एंजल्स को मानते हैं और कुछ एंजल को नहीं मानते तो कुफर हो गया ठीक है अगर आपको मानना है तमाम एंजल्स को माने नहीं मानना है एक को भी नहीं मानेंगे तो कुफर है आप अल्लाह की भेजे हुए किताबों को मानते हैं पर आप कहते हैं कि जी मैं बाइबल को मानूं, तौरात को मानूं, लेकिन कुरान को ना मानूं। कुरान को मानती हूँ तौरात और बाइबल को नहीं मानती हूँ कुफर है आप कहते हैं कि मैं नबी अलैहि वसल्लम को मानती हूं ठीक है क्या मानती हूं क्या मानती हूँ मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानती हूँ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं मैंने माना तो ये मेरे लीडर हो गए ना ये मेरे लीडर हो गए तो मुझे इनकी पैरवी करनी है अगर ये मेरे नबी हैं तो मुझे इनकी पैरवी करनी है अब मैं ये कर रही हूँ जो मुझे सूट होता है वो मैं फॉलो करती हूँ जो मुझे सूट नहीं होता है मैं वो हटा देती हूँ ये कुफर है ये भी कुफर में शामिल है क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई उनकी की हुई जो भी उनके एक्शंस से जो भी उन्होंने हमें सिखाया उसमें से आप कुछ मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे तो आप इसका मतलब कहीं आप ईमान ला रहे हैं और कहीं आप कुफर कर रहे हैं इसका मतलब आपका ईमान मजबूत और मुकम्मल नहीं है आपका ईमान कहीं कहीं मुकम्मल है और कहीं कहीं आपका ईमान जो है वो कुफर में है किताब है अल्लाह ताला की मैं कुरान को कुरान मानती हूँ ये देखिए कुरान है ये अल्लाह की किताब है की चारा की चारा इस मैं इसको कुरान मानती हूँ मैं इसको सर पे चढ़ा के रखती हूँ इसपे मैं बखमल की कवर चढ़ाती हूँ लेकिन क्या है ना ये बहुत पुरानी किताब है इसमें सारे वाक्यात सारा पुराने पुराने लिखे हुए हैं तो मैं कुछ मानती हूँ जो मुझे आज सूट कर जाता है जो मुझे नहीं सूट करता है वो मैं रद्द कर देती हूँ क्या करती हूँ उससे मैं कुफर कर देती हूँ बी वेरी क्लियर अबाउट इट हाउ मेनी ऑफ अस आर अमंग द काफ़िरून नाउ थिंक अबाउट इट जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया आपको कि आप जैसे औरतों से को हुक्म दिया कि तुम अबाया पहनो हिजाब हो जिलबाब हो सर से लेकर पैर तक तुम्हारा हिजाब और जिलबाब हो और जिलबाब कहते हैं अबाए को जिसको हम अपनी यहां की जबान में अबाया कहते हैं जिलबाब कहते हैं आउटर गारमेंट वोर ऑन टॉप ऑफ योर क्लोथ तो मत सोचिए जिलबाब मीन मैंने तो पूरे आस्तीन पहनी है ना मैं तो वैसे कोई फहश कपड़े तो नहीं पहनती हूँ देखिये मैंने पूरे आस्तीन पहनी है मैंने कपड़े सारे डिसेंट पहने लूज पहने नहीं चलेगा कपड़े लिबास आपने अपनी ज़ीनत के लिए पहने हैं बोरिंग बनने के लिए नहीं पहने यू है टू कवर ब्यूटी ऑफ इन अ एक्सेप्टों मैंने नहीं कुफर किया of course किया है तुमने कुफुरूलिंग योर सेल्फ शैतान इज फूलिंग यू बाई टेलिंग यू तुम बहुत ही पारसा हो तुम बहुत नेक औरत हो तुम थोड़ी कोई गलत कर रही हो वो जो अबाया पहनने वाली औरतें ना वो गलत गलत काम करती है तुम उनसे बेहतर हो ये एक बड़ा डिल्यूजन है जिसमें वो रखता है आपको ठीक है तुम उनसे बेहतर हो क्योंकि एक लड़की से मैंने पूछा ना कि तुम अबाया क्यों नहीं पहनती हो तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि जो लोग अबाया पहनते हैं मेरे मोहल्ले में या मेरे रिश्तेदारों में वो सब बुरे काम करते हैं तो आई एंड बी लाइक ठीक है शायद आप लोगों का भी ये तजर्बा होगा तो मैंने उसका क्या जवाब दिया वो भी फिर आप सुन लीजिए मैंने उस लड़की से कहा कि देखो मैं जिनको जानती हूं ना मेरे रिश्तेदारों में और मेरे करीब लोगों में उनमें हाफिज कुरान है ठीक है और उनमें पांच वक्त के नमाजी है गुजार जो बीवी पे जुल्म करते हैं जो माँ बाप का हक नहीं अदा करते बहुत बुरे काम करते हैं तो मैं क्या नमाज और कुरान छोड़ दूँ क्योंकि मैंने नोट किया है कि नमाज पांच वक्त के पढ़ने वाले दाढ़ी रखने वाले टोपी पहन के ऊंचे पजामे वाले वही डबल पार्किंग करते हैं गाड़ी को गालियाँ भी दे रहे होते हैं और बेईमानी भी कर रहे होते हैं तराजू भी गलत तोलते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो मैं छोड़ दू नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना हम लोगों को दूसरी चीजें इससे फारिग होने के लिए हमें फौरन उज़, उज़र मिल जाता है एक्सक्यूज मिल जाती है कौन देता है शैतान हमें उस तरफ ध्यान दिलाता है और हमें वो एक्सक्यूज मिल जाती है ताकि फिर हम उस तरह सोचें जैसे शैतान चाहता है हमारी सोच को वो चाहता है कि हम अल्लाह से रिबेल करें और उसकी रीजन दें क्योंकि तो उसने दी थी ना जब शैतान ने रिबेल किया था अल्लाह के साथ कुफर किया था तो रीजन दी थी ना ना उसने बहुत अपने आप को स्मार्ट समझा था था उसे पता था कि क्या सही है जैसे आज हमें पता है कि क्या सही है अल्लाह तो जानते नहीं ना नाउजुबिल्ला हम ही जानते हैं कि क्या सही है हम तो बहुत होशियार लोग हैं ना उसने भी होशियारी दिखाई थी उसने कहा था कि नहीं मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा ये तो मिट्टी का पुतला है आदम मैं क्यों इसके आगे झुकूं मैं तो आग का बना हुआ हूँ मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ इससे ज्यादा सुपीरियर हूँ इससे ज्यादा अफजल हूँ तो शैतान की पैरवी है ये जब हम अपनी उस्तादी जमाते हैं अपनी स्मार्टनेस ले आते हैं अपने दिमाग और लॉजिक को यूज करो अपनी रीजनिंग लाओ ओवर एंड अब वॉट इज गिवेन बाई कुरान एंड सुन्ना देन यू आर फॉलोइंग द इबलीस डायरेक्ट फॉलोइंग ऑफ इबलीस स्टॉप ब्रिंगिंग योर suggestions and your thought process nobody's asking for it who gave you the authority to de to decide what's right and wrong when Allah has already given what to do in the matters where Allah subhanahu wa ta ta'ala has given what to do the creation has no right to override that okay so I I तो उसमें भी आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझा सकूंगी अभी तो हम काफिर उन पर हैं तो जो जो लोग तो ये एक बात हो गई ठीक है मैंने आपको कहा काफिर वो है आपको सारी कैटेगरीज बता दी तो जस्ट गो ओवर इट क्विकली देन आई टेल यू द लास्ट कैटेगरी तो एक काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानता एक वो काफिर जो अल्लाह को मानता है लेकिन नबियों में भेदभाव करता है इस नबी को मानूंगा उस नबी को नहीं मानूंगा एक वो है जो अल्लाह को भी मान रहा है नबियों को भी मान रहा है ठीक है लेकिन नबियों को मानने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैं नबी की बताई हुई कौन सी चीजों को मानूं और कौन को छोड़ दूं वो भी काफिर है ठीक है एक वो है जो मानता है नबी को भी मान रहा है अल्लाह को भी मान रहा है किताब को भी मान रहा है लेकिन कुरान में से कुछ चीजों को अप्लाई करता है कुछ को छोड़ देता है अपनी मर्जी से वो बहुत स्मार्ट हो गया है इसलिए वो समझता है उसे बेटर पता है तो फिर वो भी कुफर में चला गया ठीक है इन सब के बाद एक एक और कुफर है एक और कैटेगरी है जो काफिर की कैटेगरी में आती है And that is those, अब मैं जब वर्ड बताऊंगी तो आप लोग को क्लिक करेगा जब हम कहते हैं कि कुफराने मत नहीं करो तो जो लोग अल्लाह की ब्लेसिंग्स पर शुक्र नहीं करते

तो अब आपको कुफरान की और काफिरों की कैटेगरी समझ आ गई अपने को ढूंढ लीजिए अगर आप इस किसी कैटेगरी में कहीं आते हैं तो अपने आप को क्लियर कीजिए बिकॉज यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रिक्टली उनको एड्रेस किया है या अयोहलकाफिरों ए लोगो जो कुफर कर रहे हो करते रहे हो करना चाहते हो सुन लो अब आगे अल्लाह ताला क्या बताता है कहता है उनसे कह दो या यो हल अब तक मैंने आपको सिर्फ ये काफिर समझाया ठीक है ला मा माता मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो ठीक है मैं आपको ये बात बाद में समझाऊंगी सिंपल सी बात है अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि तुम कह दो कि जिनकी इबादत तुम करते हो मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता क्लियर आगे बढ़ते हैं वला मा आबुद और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूं ठीक है अब यहाँ है वला मा आबुद आबुद मन आबुद ने लिखा लिखना था मन आबुद जिसकी मगर यहाँ जिसकी नहीं है अ डिफरेंस बिटवीन मन एंड मा पहले मुझे इसका लिटरल ट्रांसलेशन समझाने दो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं कहती हूँ मन आबुद आबुदींस जिनकी मैं इबादत करती हूँ जब मैं कहती हूँ मां आबुद, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए मन इज फॉर अ लिविंग बींग ओके एंड मा इज फॉर नॉन लिविंग बींग लिए यूज कर रहे हैं कि जिसकी तुम लोग जिन चीजों की तुम लोग इबादत करते हो वो चीजें हैं ना स्टैचूज है ना मिट्टी के बने हुए तो मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता उन चीजों की लेकिन यहां भी अल्लाह जब रिवर्स में बात करते हैं नबी नबीसलम तो ही अगेन माँ यहां माँ का मतलब क्या है दो मतलब है एक तो मतलब है मन कि जिनकी मैं इबादत करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला को हम आप भी कहते हैं तुम भी कहते हैं तू भी कहते हैं ठीक है <क्ष़िण> तो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं और जिस तरह की मेरी इबादत है वो तुम नहीं कर सकते जिन चीजों की ऊपर मबनी है मेरी इबादत जिन चीज़ों पर वजू करना तहारा करना सजदा करना जो भी अस्कार करना कुरान पढ़ना याद करना दिस इज डिफरेंट जैसी मेरी इबादत है माँ जैसी मेरी इबादत है जिस तरह की है वो तो तुम नहीं कर सकते ठीक है तो इसको अच्छी तरह समझ लें तो फिर, तो फिर अल्लाह ताला कहता है और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ यहाँ तक रुकते हैं हम और अभी इबादत को समझते हैं काफिर समझ गए आप लोग कि काफिर क्या है ठीक है और काफिर की कौन कौन सी कैटेगरी है और आपको ये सिर्फ ये नहीं सोचना है फला काफिर है फला काफिर उंगलियां अपने पर रख कर देखना है मेरे अंदर क्या क्या कुफर छुपा हुआ है क्लियर कीजिए आई डोंट टू बी हैगा रहा हो या आई हल काफिर ऐसा नहीं हो कि फरिश्ते मुझे खसीट के माले जा रहे हो और मैं नहीं नहीं मैं तो मुसलमान थी मैं तो कलमा पढ़ती थी हाँ पर तुम कुफर कर रही थी भाई तुमने पता नहीं लगाया तुमने तुमनेल काफिरून नहीं पढ़ी तुमने उसमें, उसमें अपना क्राइटेरिया नहीं चेक किया तुम तो काफिरों में नहीं हो तुमने क्या क्या काम किए जो कुफर में थे और मैं आपको उसकी हदीस भी सुनाऊंगी कि नबी वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहा है ताकि आप पक्का पक्का आपके दिमाग में आ जाए ठीक है <clears throat> अच्छा इधर मुझे आपको वो अब जुमरे में सारा कुछ सुनाना है अच्छा सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि जब अल्लाह ताला इबादत और अब्द की जिक्र करता है मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे मालूम है मैंने आप लोगों को अब्द पर के वो क्या है गुलाम है किस किस्म की गुलामी है सरेंडर कैसी सरेंडर है आपको सारा सुना दिया है कुछ वक्त पहले जो पिछली की थी उसमें आबेदून का आया था मैंने आपको उस पर पूरा सुनाया था और मैंने आपको ये भी कहा था अब उस गुलाम को कहते हैं जो कंप्लीट सरेंडर करता है मास्टर के सामने और वो रीजन नहीं पूछता उससे वो राइट right ही नहीं है ना वो कुछ और सवाल करता है उसे जो हुकुम देता है उसका मास्टर वो वो हुकुम बजा लाता है ही हैज एब्सोल्यूटली नो नथिंग ऑफ हिज ओन टू पुट इन द मिडिल नो लॉजिक टू अप्लाई नो रीजनिंग टू गिव नो क्वेश्चन टू आस्क समय ना वाना सुन लिया करना है यही आपको समझाया था ना मैंने ठीक है ये है इबादत गुजार ठीक है ये है अब ठीक है अब हमें देखना है कि जब इतना इबादत पर इस पर्टिकुलर सूरा में इतना एम्फेसिस है कि आप देखिए उलियाल काफ़िरों तो एक वर्ड में आ गया कि ए लोगों जो कुफर कर रहे हो अब अल्लाह ताला इज एड्रेसिंग दोज हु आर डूइंग कुफर बट व्हाट इज ही सेइंग ही सेइंग मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम कर रहे हो तुम उनकी इबादत नहीं कर सकते जिनकी मैं कर रहा हूं ठीक है और ना ही मैं तुम जैसी इबादत करने वाला हूँ उनके आगे झुकने वाला हूँ आबिद वो जो पूरी तरह से सही तरीके से गुलामी करता है किसी की और गुलामी कैसे होती है ओबीडियंस से वट इज गुलामी वट इज स्लेवरी अगर मैं कहूँ <coughs> कि आप जो भी आप हैं एबीसी जो भी ठीक है आप फना की गुलामी कर रहे हैं ठीक है मैंने आके आपको कहा आप जो है वो एबीसी की गुलामी कर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं दुरे शवार मैं नहीं कर रही मैं कहूंगी वो जो कहता आप करती हैं आप तो जैसे उसकी गुलाम बन गई हैं वो जैसे कहता आप कर रही हैं तो आपने क्या किया गुलामी की गुलामी क्या होती है दोबारा से मैं पूरी लंबी डिटेल्स नहीं दे सकती अब की क्योंकि अब आप, आपको पहले बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ पिछली अगर कोई विडियोज में जाके यूट्यूब पे चेक कर लेने मिस किया है मैंने अब पर आबिद पर मबूद पर अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है ठीक है अब आप इस बात पर नोट करें कि एक औरत कहती है मैं अबाया इसलिए नहीं पहनती मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है ठीक है तो आप किसकी गुलाम हैं हस्बैंड की या अल्लाह की आपने हस्बैंड के साथ गुलामी साइन की थी के पार्टनरशिप क्या क्या साइन किया था निकाह नामा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप या गुलामी हस्बैंड का राइट बहुत ज्यादा है हंड्रेड परसेंट लेकिन अल्लाह से बढ़ के तो नहीं है डोंट कंफ्यूज राइट इज़ द राइट ऑफ अ क्रिएटर आपके हस्बैंड आपके बाप आपकी माँ कोई भी आपका अजीज तरीन बुजुर्ग ठीक है आपका टीचर कोई आपको ऐसा काम करने को कहे जो अल्लाह को ना पसंद हो तो आपको ना फरमानी करनी है ये सूर्य लुकमान में लिखा है लुकमान में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह का अब और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद और रसूल की ताबेदारी अल्लाह को वा, वाहिद मानो रसूल को की इतात करो और उसके बाद मैंने इंसानों के लिए माँ बाप रखे वाले okay? माँ बाप को हक दिया अल्लाह और रसूल के बाद, लेकिन अगर वो तुम्हें गलत काम करने को कहें, तो तुम नाफरमानी करो कहीं नहीं लिखा कि अब फरमा बरदारी करो बिकॉज वो माँ बाप नहीं ना फरमानी करो क्योंकि किसी मामले में अल्लाह से बढ़ कोई नहीं है और जो चीज अल्लाह को ना पसंद है वो चाहे माँ बाप को पसंद हो शोहर को पसंद हो बच्चों को पसंद हो छोड़ दो और सबसे ज्यादा हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं लोगों के लिए हम झूठ बोल देते हैं लोगों के लिए हम लोगों को कवर करने के लिए झूठ बोलते हैं अल्लाह को नाराज करते हैं लोगों को खुश करते हैं तो हम इबादत गुजार नहीं है इबादत पांच वक्त की नमाज तहज कुरान पढ़ने को नहीं कहते सिर्फ इबादत है ट्रू ओबीडियंस सरेंडर अब गुलामी अल्लाह की गुलामी इसमें है कंप्लीट सरेंडर टू अल्लाह जब अल्लाह को सरेंडर कर दिया मैं किसी के लिए अब किसी को डिफेंड करने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी इसीलिए रसुल ने फरमाया ना अगर फातिमा ने भी चोरी की होती फातिमा बिंत मोहम्मद मेरी बेटी ने मैं उसका हाथ लेके पकड़ के सबके सामने काट देता क्यों कहा नहीं कहा फातमा गलत काम नहीं कर सकती मैं उसको सजा नहीं दे सकता मैं बहुत प्यार करता हूँ हैव टू बी एब्सोल्युटली रीजनेबल अल्लाह की गुलामी इंसान की गुलामी नहीं इंसान बहुत कमजोर है हस्बैंड से प्यार होगा तो हसबैंड की गुलामी में चला जाएगा बच्चों से प्यार हो जाएगा तो बच्चों की गुलामी में चला जाता है और किसी एक बच्चे से ज्यादा प्यार हो गया तो उसकी गुलामी में चला जाता है और उसके लिए अल्लाह से ओबीडियंस में शॉर्टकमिंग आ जाती है हम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह की गुलामी के बदले उनकी गुलामी में लग जाते पता भी नहीं चलता हमें पता भी नहीं चलता हम किसके गुलाम हैं हम एक सर्विस कर रहे हैं ब्लाइंड नमाज पे खड़े होते हैं सजदे करते हैं कुरान पढ़ते हैं बगैर समझे पढ़ते हैं अस्कार पढ़ते हैं लिप सर्विस हो जाती है हमें लगता है हमारी ड्यूटी खत्म हो गई लेकिन दिल कहीं और अटकता है कुछ लोगों ने अपने नफ्स को आका बना लिया तो वो नफ्स के गुलाम हो गए अब वो नफ्स बोलता है चलो बाहर जाएंगे डांस में जाएंगे शराब पी लेंगे कोई उल्टे सीधे काम कर लेंगे ड्रग ले लेंगे किसी का गबन कर लेंगे किसी को मर्डर कर देंगे किसी का जाके घर जला देंगे अब वो नफ्स के गुलाम बने हुए नफ्स जो बोल रहा है नचा रहा है नाच रहे हैं, <coughs> और समझ रहे हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं ठीक है तो कुछ लोग शोहर के गुलाम बनते हैं कुछ औलाद के गुलाम बन जाते हैं कुछ माँ बाप के गुलाम बन जाते हैं कुछ अपने दोस्तों के या अपने चाहने वालों के गुलाम बन जाते कुछ अपनी अपने अपने नफ्स के गुलाम बन जाते आप किसके गुलाम हैं आपको अपने आप से पूछना है मैं किसकी गुलाम हूँ अगर वाकई अल्लाह के गुलाम हो तो सच बोलो किसी से डरो नहीं अगर आप मुझे कहेंगी कि ये छोड़ दो क्योंकि आप मेरी अम्मी हैं अब्बा हैं मेरे शोहर हैं मैं नहीं छोड़ूंगी आपकी बात नहीं मानूंगी कुरान में लिखा है नाफरमानी करो कुरान नहीं कहता है, फर्मा बरदारी करो अगर माँ बाप गलत काम करें या शोहर गलत काम करे तो क्यों हम हर बात में शोर को और माँ बाप को ब्लेम uh, करते हैं और उनकी एक्सक्यूज दे देते हैं मेरे अब्बा को नहीं पसंद मेरी अम्मा को नहीं पसंद मेरे शोहर को नहीं पसंद एक्चुअली मुझे ही नहीं पसंद है लेकिन आई वॉन्ट समबडी टू टॉक अबाउट सो दैट यू नो इज ईजी फॉर मी टू गैट अवे फ्राम द राइट थिंग ऐसा नहीं है यू विल आंसर फॉर योर ओन डीड्स ग़ुलामी किसकी की थी अब किसके हो अगर तुम अल्लाह के अब्द हो तो फिर तुमने दूसरों की गुलामी क्यों की बच्चों के पीछे क्यों खुआ रुए शोहर के पीछे क्यों खुआ रुए हाँ शोहर की आपको फर्मा करनी है जहां तक अल्लाह ताला ने उसके हुक्म और अहकाम दिए हैं वो पूरे करने ठीक है ये नहीं कि भाई शोहर जुल्म भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर खामोशी से जुल्मे वो भी है ठीक है हर चीज को अपने लेवल अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लें और सही से अल्लाह की गुलामी करनी है वो करें जिसे अल्लाह राजी हो दुनिया राजी हो ना हो ड मैटर अगर आपको लगता है चोर नाराज हो रहे हैं मम्मी नाराज हो रही है होने दो नो प्रॉब्लम अल्लाह को नाराज नहीं करना है आपके अब आप, आप अल्लाह के अब्द हो इंसानों के अब्द नहीं हो याद रखो कोई औलाद कोई माँ बाप कोई शोहर आपको कयामत में बचाने आपके पास नहीं आएगा याद रखना जिसको आप पकड़ पकड़ के चल रहे हो ना दुनिया में ये लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं में। और इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने एक माँ की मिसाल दी थी कि देखो ये माँ गजब अहद में कैसे बिलक बिलक के अपना बच्चा ढूंढ रही है दूध पिलाने के लिए तड़परी उसका कपड़ा गीला हो गया उसने जैसे उसको बच्चा मिला वो रो रो कर बच्चे को दूध पिलाने लगी रसूल ने फरमाया अभी अगर सिर्फ मैं हूं मुझे माफ कर दे अल्लाह मैं कोई बच्चा पैदा ही नहीं की मेरा कोई बच्चा ही नहीं मैं किसी को पहचानती नहीं ये रसूल सलम बता रहे हैं तो जब एक माँ जिसको अल्लाह ने सिक्स दी अपने बच्चे को फील करने के लिए इतना फील करती है कि बच्चे को दर्द होता है तो माँ को दर्द होता है वो फेंक के चले जाएगी तो क्या कोई बच्चा माँ को बचाने आएगा कोई शोहर आएगा आप बीवी को बचाने सोच के देखिए कोई किसी को नहीं बचाएगा अपनी गुलामी किधर है नोट कीजिए किसको फॉलो कर रही हैं आप किसकी गुलामी कर रही हैं आप किस किस लेवल पर अब आपका कुफर चल रहा है और आपकी इबादत चल रही है क्योंकि इबादत एक वर्शिप है ठीक है एंड वर्शिप इज डन बाय ओबीडियंस बरदारी ठीक है तो so, यहां तक आई होप इट इज वेरी क्लियर कुल या आयु मैं इसको बहुत पावर से आप तक पहुंचाना चाहती हूं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सूरा है इफ वन फोर्थ ऑफ द कुरान इज जस्ट दिस नॉलेज प्लीज अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं समझा भी नहीं पा रही हूं जितना हो रहा है मैं समझा रही हूं दिल से समझा रही हूं आई डोंट नो हाउ एल्स टू टेल यू तो अल्लाह ताला कहता है कुल या आयु काफिरून ला आबुदू मा ताबुदून ना मैं उनकी इबादत करना कर सकता हूँ जिनकी तुम करोगे ना तुम कर सकते हो जिनकी मैं करूंगा द फर्स्ट टू आया जो यहाँ पे हैं सेकेंड आया और द थर्ड आया ये पास है और जो दूसरी टू हैं द फिफ्थ एंड के ना मैं उनकी इबादत करता हूँ जिनकी तुम करते हो न तुम उनकी कर रहे हो जिनकी मैं करता हूँ फिर कहा और जैसी मैं इबादत कर रहा हूँ और करता रहूंगा ऐसी ना तुम करोगे ना मैं कभी भी तुम्हारे किस्म की इबादत करने वाला हूँ ठीक है अब आते हैं हम लास्ट आयत पे विच इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आया ठीक है जिसमें अल्लाह कहता है नकुम दीन अकुम दीन और इसके बारे में बहुत यह है कि मतलब वेरी 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 वेरी, वेरी आया, ठीक है ना? अच्छा अब यहां पे इतनी इजी बात है जब लकुम दीन अकुम वलिया दीन तुम तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन और मेरे साथ मेरा दीन अब हम आते हैं द वर्ड दीन की तरफ देखिए तीन इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे गौर करना है आपको काफिरून मैंने पूरा बता दिया क्या है आबिदून पूरा बता दिया अब क्या है और आबिद कौन है और आबिदून कौन है और अब हम आते हैं अबाउट दीन कुफर किससे हो रहा है दीन से अब कौन है आबिद कौन है जो काफिर है वो आबिद नहीं है और जो आबिद है वो काफिर नहीं है तो आपको डिसाइड करना है आप आबिद कैटेगरी में कि काफिर कैटेगरी में ठीक है और अब इब अब्द और कुफर किस चीज के साथ हो रहा है दीन के साथ ये तीन मेन चीजें ठीक है अब आई इट मोर सिंपल फॉर यू टू क्लिप इट इन योर हेड थ्री थिंग्स ओके अब हम आते हैं दीन पर लकुम दीन अकुम वलिय दीन okay. ओके सूर्य यूनुस में अल्लाह सुबहाना व तआला क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो तू कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमर तुम्हारे लिए जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी और जिम्मा हो और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी ने यह सिर्फ एक सूर नहीं है, दीन और ये मैं कुछ आयतें आपको डिफरेंट सूरज में से पढ़ के इसलिए सुनाने वाली हूँ क्योंकि फिर मैं आपको समझाऊंगी वॉट इज एसेंस ऑफ दिस आया

के लोगो अगर तुम मेरे दीन के मुतालिक अभी तक किसी शुबे में हो तो सुन लो कि अल्लाह के सिवा तुम जिनकी बंदगी करते हो मैं उनकी बंदगी नहीं करता बल्कि सिर्फ उस खुदा की बंदगी करता हूँ जिसके इख्तियार में तुम्हारी मौत है ठीक है शरा में अल्लाह ताला कहता है ए नबी अब अगर ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानते तो कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बरी जिम्मा हूँ आयर नंबर टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन सूरह सबा में फरमाता है अल्लाह इनसे कहो जो कसूर हमने किया हो उसकी बास पुरुष तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी कोई जवाब तलबी हमसे नहीं की जाएगी कहो हमारा रब एक वक्त हमें और तुम्हें जमा करेगा और हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर देगा दिस इज आया ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ऑफ सबा सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाता है इनसे कहो ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अपनी जगह काम किए जाओ मैं अपने काम करता रहूंगा अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन अज़ाब आता है और किसे वो सज़ा मिलती है जो टलने वाली नहीं 39 एंड 40 ऑफ सूरह ज़ुमर फिर यही सबक मदीन तैयबा में तमाम मुसलमानों को दिया गया जब अल्लाह ताला ने तब से फरमाया कि तुम लोगों के लिए इब्राहिम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूछते हो कतई बेजार हैं हमने तुमसे कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ ठीक है मजीद एक नहीं पे सहीफात से इस शुबे की गुंजाइश तक नहीं रखी के कोई दिन में कोई कोई कंपैरिजन या कोई मिलावट करे या सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करे ठीक है और रही यही बात बातुम दीन अकुम वलिया दीन का मतलब यह है कि तुम अपने दीन पर कायम रहो और मुझे अपने दीन पर चलने दो बल्कि ये उसी तरह की बात है जैसे सुरे जुम्र में फरमाई गई है कि ए नबी इनसे कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिश करके उसकी बंदगी करूंगा तुम उसे छोड़कर जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है तो लोगों के पीछे मत पड़ जाइए छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर जिनको अल्लाह ने देनी होगी हिदायत दे देगा जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देना चाहेगा उन्हें हिदायत नहीं मिलेगी छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर किसी के लिए आप परेशान मत हो जाइए ठीक है आप अपना काम कीजिए फिर ने फरमाया दो मुख्तलिफ मिल्लतों के लोगों लोग एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते और हदीसी तिरमेजी है जिसमे जाबे की तरफ से मिलती हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रतार इन सब से मिलती है जिसमें उन्होंने सहाबी से कहा था कि एक दूसरे के आप हकदार या वारिस नहीं हो सकते अगर आप के दिन मुख्तलिफ हों, ठीक है तो ये दो मदबिल फरीक हैं, जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है इसलिए ये एक दूसरे के लिए वारिस नहीं हो सकते मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता ना काफिर मुसलमान का वारिस हो सकता है ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट बातें आपको बतानी थी अब लकुम दीना कुम में वही बात जो शुरू में थी याहीफिरन में उसको मैं आपको दोबारा से इधर इसको देखिए शुरू में शुरू हुई याफिरून क्यों शुरू हुई क्योंकि इन नशान्या का हु अबतर से खत्म हुई थी उन्होंने अबतर बुलाया नबी नबीसलम को तो नबी नबीम को अल्लाह ताला कहता है कि उन्होंने तुम्हें अबतर बुलाया जबकि उसमें तुम्हारा कसूर नहीं अगर तो तुम्हें बेटे नहीं हो रहे या बेटा होकर गुजर जाता है तुम उन्हें काफिरून बुलाओ क्योंकि वो उनके हाथ में है और वो कुफुर कर रहे हैं वो जानते हैं कि क्या है अब लेकिन वो इबादत छोड़ के कुफुर कर रहे हैं तुम उन्हें बुलाओ इस नाम से इस टाइटल से कि या यूहफिर और उनसे कहो ये 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 कहो तो वो इबादत की बात ताकि उन्हें अब और इबादत की बात समझ में आ जाए फिर एंड किससे किया लकुम अकुम वालिया दीन के तुम्हारा दीन तुम्हारे पास और मेरा दीन मेरे पास लेकिन यार दीन जो है ना इसके जो मैं मतलब आपको समझाना चाह रही थी वो ये है कि दीन येन्स वे ऑफ लाइफ एक जिंदगी का गुजारने का तरीका ट्वेंटी फोर आवर्स में आप उठते हैं क्या करते हैं कैसे खाते हैं कैसे मामला करते हैं कैसे नहाते धोते हैं कैसे बातचीत करते हैं कैसे बर्दाश्त करते हैं कैसे डील करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ कैसे लोगों से मिलते हैं कैसे लोगों के साथ आप आपका दिल कैसा रहता है हर चीज इज योर दीन, दीन इज़ अ वे ऑफ लाइफ तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन एज अ प्रैक्टिस प्रेयर तहजुद कुरान रोजा ये वो नहीं दीन इज़ द वे ऑफ योर लाइफ आप मत मुझे बताइए कि मैं पांच वक्त का नमाजी हूं लेकिन मैं जाके लोगों के साथ यू you नो know, बुरे काम करता हूं या मैं अपना गुस्से पर काबू नहीं रखता हूँ वही काफी है बिकॉज गुस्सा कहाँ से आता है शैतान से तो जब आप गुस्सा होते हैं तो किसको फॉलो कर रहे हैं डायरेक्टली शैतान को फॉलो कर रहे हैं मेन यूर ए शैतान का फॉलोअ आप अल्लाह से डर रहे हो जो अल्लाह से डरेगा वो तो कंट्रोल करेगा अपने ऊपर आपको कंट्रोल करना है अपने हर वो मामले को जो अल्लाह के खिलाफ जाता है तो क्या आप कंट्रोल करते हो दिस इज वेयर दीन इज दैट इज दीन दीन इज दैट टाइम दैट यू फील ग्रेटफुल टू अल्लाह शुक्र करो अल्लाह का और अपने आप को अल्लाह के सामने शुक्र करो कि मैं बहुत अच्छे हालत में हूं मैं अल्लाह ताला मुझे और अच्छी तरह से रखना चाहे वो सब खत्म होता चला जाए आपके अंदर अयुब को याद रखिए उनके पास क्या रह गया था कुछ नहीं रह गया था लोगों ने उनको कितना सुनाया तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है हत्ता की उनकी बीवी ने भी ये कह दिया तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई उन्होंने अपनी बीवी को कहा तुम घर जाओ निकल जाओ मेरे घर से हाउ डेर यू टेल मी कि मेरी हालत ठीक नहीं है मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह के सामने मैं सबर किए हुए हूं हाउ डेयर यू टेल मी दिस यू गेट आउट ऑफ दिया उनको उनके घर में और कहा मैं सौ कोड़े मारूंगा अगर मैं ठीक होके आया तो जस्ट फॉर दिस क्योंकि तुमने कहा कि मैं देखो किस हालत में हूं और फिर भी शिक्र करता हूं इसलिए मैं तुम्हें सौ कोड़े मारूंगा आपको पता क्यों? क्योंकि वो खुश थे अपनी हालत से और ये चीज अल्लाह को उनकी पसंद आ गई मिसाल बन गई है मिसाल बन गई है तो हम किसकी मिसाल ले रहे हैं किसकी जिंदगी की हमें मिसाल लेनी है उसकी जिंदगी की जिसने सबर से गुजारा जिसने कंट्रोल किया लोगों को नहीं कंट्रोल किया खुद को कंट्रोल किया हमारे पास कंट्रोल फ्रीक्स बहुत हैं, ठीक है हस्बैंड वांट्स टू कंट्रोल वाइफ, फ्रीक्स बहुत चिल्ड्रन वांट टू कंट्रोल पेरेंट्स बहुत कंट्रोल फ्रीक्स हैं

हम तहज गुजारें इबादत का मतलब तो समझो अब समझो मबूद का मतलब समझो मतलब फिर इबादत करो तो क्या होगी दीन तुम्हारा सही हो जाएगा एंड वॉट इज दीन दीन इज नॉट इस्लाम क्रिस्टानिटी जुडाइज नहीं दीन इज द वे ऑफ लाइफ किसका वे ऑफ लाइफ आपको फॉलो करना है रसूल का वे ऑफ लाइफ मेरा तुम्हारा नहीं मेरा तुम्हारा नहीं आपको जो कहना है रसूल सलम की जिंदगी से मुझे बताएं मुझे नहीं बताएं मेरी बेटी मेरी बहन मेरी अम्मा मेरी दादी ऐसे करती थी करती होगी अगर ये करती थी रसूल सलम को फॉलो करके कुरान को फॉलो करके तो मैं फॉलो करूंगी फिर चाहे वो मेरी दुश्मन की बेटी हो या मेरी बेटी हो लेकिन अगर कोई भी फॉलो कर रही है अपनी बात इसकी उसकी मिजाज मुझे नहीं चाहिए I want the misal of Rasulullah sallam. I want the misal from Quran. तो जब आप दीन अपना बचाएँगे, ये 24 hours आर्स की ज़िंदगी को सही करेंगे, तो आप सही अब्द बन जाएँगे और आप कुफर से बच जाएँगे. And then you don't have to follow that. Rasulullah sallam did not follow. Those people when Rasulullah sallam is telling like this, what does it mean? अल्लाह ताला ने बैरियर डाल दिया बिटवीन अस एंड द काफिरून यू कैन नॉट इंटरमिंगल एंड से एवरीथिंग इज ओके हम सब के दिन एक जैसे हैं हम सब बहन भाई हैं हम सब अल्लाह की मखलूक है यस yes, अल्लाह की मखलूक है पर तुम लोग गुमराह हो, मैं गुमराह नहीं हूं हिम्मत है बोलने की नहीं तो डोंट डोंट गो एंड टेल द रोंग थिंग टू देम कि हाँ हाँ किसी में मीटिंग में बैठी थी तो उधर एक नॉन बिलीवर था तो आई डोंट हैव टू टेल कि किस फेथ से था इट डजेंट मैटर ही वाज अ नॉन बिलीवर एंड ऑब्वियसली सम ऑफ द नॉन बिलीवर्स हैव द स्टिकल इनसाइड देम कि ये मुसलमान बहुत ही फैनेटिक होते हैं या जो भी उनका प्री कंसीव नोशन है तो ही वाज ट्राइंग टू स्टिकल मी समवेयर वेट इट मे हर्ट मी एंड ही सेड क्या दे मेक एन इशू अबाउट दिस एंड दैट तुमने भी ये सब क्या पहना हुआ है आई मीन डोंट हैव टू यू सच अ ब्यूटीफुल वुमन

बात तो सब एक ही जैसी करते हैं सब मजहब में एक ही बात है अच्छा करो बुरा नहीं करो झूठ नहीं बोलो सच बोलो किसी को सताओ नहीं वही बातें हैं <coughs> मैं सिर्फ कह रही थी हम्म <coughs> जी बट एक ही बातें हैं लेकिन यू you नो know, बस ये कि वी बिलीव देर इज ओनली वन गॉड बस वो कह दिया तो आई क्लियर आई डिड नॉट अग्री विथ हिम अगर मैं खामोश हो जाती आई एम गिविंग हिम एन अग्रीमेंट ऑफ हिज वर्ड्स टेल योर वर्ड कि आई बिलीव इन वन गॉड बिकॉज आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी कंफ्यूजन अप देयर अगर आप सोचते हैं कि दिज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ द सेम लॉर्ड जो इतनी सारी ब्रांचेस हो गई दैट मे बी कि लोग मिसगाइड हो गए पीपल वर मिसलेड एंड दे स्टार्टेड हैविंग देयर ओन बिलीव्स हियर एंड देयर बट इफ

बाकी चीजों के डिफरेंसेस को इतना उजागर करते हैं किसी भी मामले में मैं कैसे क्या मिसाल दूं जो आपको इजीली समझ में आ जाए अच्छा मैं एक एक मिसाल देती हूँ पता नहीं हाउ मच इट मेक सेंस टू यू बट दिस इज दैट आई कैन एक्सप्लेन एंड somebody टेल्स मी दैट देखिए आप जाते हैं सुपर मार्केट कितनी आइसक्रीम्स रखी हैं बहुत सारी आइसक्रीम्स रखी हैं ठीक है बट आई लाइक बास्किन रॉबिस

डिफरेंस यूर पेंग फॉर द डिफरेंस क्यों आप जो सड़क पे बिक रहा है लोन तीन सौ रुपए का वो छोड़ के आप तीन हजार का लोन क्यों ले रहे हैं बिकॉज यू नो द डिफरेंस इसका रंग नहीं निकलेगा कपड़े में घुर नहीं आएगा इसमें ये क्वालिटी है वो क्वालिटी है ये अच्छा है जिसम को अच्छा रहेगा कम्फर्टेबल रहेगा इसमें मिक्स नहीं है प्योर कॉटन जो भी है मैं आपको बता रही हूँ so don't say everything is the same just because it looks the same just because a religion looks like it's a religion where people are trying to meditate and you know seek help from somebody or remember somebody doesn't mean all the religions are the same they are not okay our religion is unique and it has very unique you know characteristics it has a very unique set of principles it is not the same like others

The moment you say happy Christmas, Merry Christmas, Happy New Year, you're going into kufr. You're giving an affirmation for Christmas. Affirmation for their new year. Affirmation for their Diwali. So the moment you wish them, you're part of them. You've given them affirmation. And you have lost the Abd, the Kufr, and the Deen. Ye three pinkarl. That you did the kufr by denying allah's word against them and you have accepted their god by saying okay diwali hai, chalo christmas be okay and you're not the abd of allah that means you did not become the slave you have actually betrayed your master and you are also going against your deen your own way of life you're going against it and you're taking somebody else's way of life you can't do that Lakum तुम्हारा तुम्हारे पास, पास, मेरा दीन मेरे पास। ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की आपको जितना समझ में आया समझाया अगर कोई पॉइंट रह गई होगी तो प्लीज मुझे, मुझे माफ कर देना और अल्लाह ताला मुझे बेहतर काम की तोफीकता करे अगर कुछ रह गया होगा मैं को ले आऊंगी वो पॉइंट्स एंड आई विल इट बिफोर आई स्टार्ट देर बिकॉज आई टू अगेन बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट होगा आप देखेंगे और याद रखें कि अल्लाह ताला ने आ, ये काफ़रीन शुरफर को इवन शुरह कुरैश से भी आ, अटैच किया है इसी तरह के कैसे तुम इबादत गुजार वो ही वाली बात है ना हाउ कैन यू नॉट बी एन व्हेन अल्लाह गेव यू यू नो फूड हंग्री और व्हेन यू वर कंसर्न्ड गेव यू पाथ

क्यों सरेंडर करें वही वाली बातें मैं आपके पास वापस कनेक्ट करके लेके आई अलम तरह कैफा फिर सुरह कुरैश फिर सुरे माउन एंड देन सुरह कौसर कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग सब को तो इतना सब किया फिर देखो इन्होंने नई बात मानी पर अल्लाह ने फिर भी तुम्हें कसीर दिया कौसर दिया है वो तुम्हें अब तर बुलाते हैं तुम्हें तो काफी रून बुला यहाँ तक आ गए हम अब यहाँ से हम कनेक्ट करके आगे जाएंगे इंशाल्लाह अगर कुछ रह गया है सुर काफिर का, कोई पॉइंट जो मुझे जहन से निकल गया हो या मुझे और भी कोई पॉइंट्स आए तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इनशाला जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी अगली सुरा के साथ तो आपको इनशा बताऊँगी और कुछ अगर किसी कुछ पूछना हो तो बेशक पूछ ले बामदुल्ला रबीआलम अल्लाह ताल शैतान की शर से बचा के रखे अगर कुछ उसका फितना था तो और जो कुछ भी अच्छा था और फ़ायदेमंद था वो सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह हमें बेहतर काम करने की तोफ़ीकता फ़रमाए अल्लाह मेरा कहना आपका सुनना आपका मेरे साथ यहाँ इकट्ठे होना अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह इसकी बरकत दे हमारी ज़िंदगी में हमें कुरान का पढ़ने समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए और जो कुछ भी हम पढ़ें समझें हमें याद करा दे और अमल आसान करें سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم